घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनमोहन सिंह ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी घोटाले को लेकर, खास करके कोयले घोटाले को लेकर जो बीजेपी उनके इस्तीफे की मांग कर रही है, वो बिल्कुल इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले दिखाते हैं हमारा आज का एजेंडा क्या है। कोयला घोटाले पर मनमोहन का इस्तीफे से इनकार। बीजेपी के हंगामे से लगातार दूसरे हफ्ते भी नहीं चली संसद। कांग्रेस ने केग अध्यक्ष के खिलाफ खोला मोर्चा। थर्ड फ्रंट की कवायद में जुटे मुलायम। नरोड़ा पाटिया दंगा मामले में पहली बार नपा कोई नेता। मोदी कैबिनेट की पूर्व मंत्री माया कोडनानी को 28 साल जबकि बाबू बजरंगी को उम्र कैद की सजा। अहमदाबाद स्पेशल कोर्ट ने 32 आरोपियों के खिलाफ किया सजा का ऐलान। और राहुल को बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की मांग के बीच प्रधानमंत्री का बयान। कहा केंद्रीय कैबिनेट में होने वाले फेरबदल में शामिल हो सकते हैं राहुल। और सबसे पहले बात करते हैं संसद के, और संसद में कामकाज नहीं हुआ। और प्रधानमंत्री के जो बयान आए, जो विदेश से वो लौट रहे थे, ऑन बोर्ड जो उन्होंने बयान दिया कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, उससे राजनीति और भी गर्मा गई। सबसे पहले दिखाते हैं हम आपको अपनी ये रिपोर्ट। कोयला घोटाला पर संसद का दूसरा हफ्ता भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। शुक्रवार को भी बीजेपी का लोकसभा और राज्यसभा में भारी हंगामा जारी रहा। बीजेपी ने एक बार फिर कोयला घोटाले में पीएम के इस्तीफे की मांग दोहराई और कहा कि प्रधानमंत्री जब तक इस्तीफा नहीं देते, बीजेपी संसद की कार्रवाई नहीं चलने देगी। वहीं तेहरान से स्वदेश लौट रहे पीएम ने भी साफ कर दिया कि वो इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष को संसद की कार्रवाई चलने देना चाहिए। मनमोहन सिंह ने साफ कहा कि वो किसी भी सवाल जवाब की प्रतिक्रिया में नहीं उलझना चाहते हैं, वो चुप रहना ही बेहतर समझते हैं। कांग्रेस और बीजेपी की सियासी जंग के बीच तीसरे मोर्चे का ख्याली पुलाव एक बार फिर पकने लगा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में लेफ्ट के चारों घटक दल और टीडीपी सांसदों ने संसद न चल पाने की वजह से धरना दिया और मांग की पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से कराई जाए। मुलायम सिंह और लेफ्ट के नेता कांग्रेस और बीजेपी को मिलकर कोस जरूर रहे हैं। हकीकत ये भी है कि मुलायम के ऊपर लेफ्ट ज्यादा भरोसा नहीं कर रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति पद के चुनाव के वक्त ममता के साथ पहले मुलायम सिंह यादव ने पींगे बढ़ाई और फिर गच्चा दिया है। उससे मुलायम पर कौन कितना भरोसा करे, ये कहना मुश्किल है। लेकिन कोयले की इस सियासी लड़ाई में कांग्रेस ने आक्रामक रवैया भले ही अपनाया हुआ हो, लेकिन जिस तरह से मनमोहन कैबिनेट के मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल और सुबोध कांत सहाय पर अपने रिश्तेदारों को कॉल ब्लॉक आवंटन दिलाने पर सिफारिश लगाने के जो आरोप लग रहे हैं, उसने इन मंत्रियों और पार्टी को बैकफुट पर जरूर डाल दिया है। कोलगेट पर कांग्रेस और बीजेपी के रुख से मानसून सत्र के दो सप्ताह तो पहले ही भेंट चढ़ चुके हैं और आखिरी सप्ताह भी हंगामे की भेंट चढ़ना तय लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जैन न्यूज है। स्टूडियो में दो मेहमान हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, हुसैन दलवाई साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत है, महाराष्ट्र से आते हैं, और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। पुष्पेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री ने क्या कहा अपने इस्तीफे पर। और बीजेपी ने प्रधानमंत्री के का जो जवाब आया उस पे क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त तरीके से संसद से लेकर सड़क तक भ्रष्टाचार और घोटालों के खिलाफ और भ्रष्टाचार और घोटालों की इस गुरुघंटाल सरकार के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन छेड़ेगी, चाहे वो संसद हो और चाहे सड़क हो, जब तक कि इस जनधन की लूट के जिम्मेदारों को सजा नहीं दी जाती और प्रधानमंत्री नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे। वी आर कंसर्न, वी आर फर्म ऑन आवर डिमांड, आवर थ्री डिमांड्स। प्राइम मिनिस्टर शुड रिजाइन एंड देन एलोकेशन शुड बी कैंसिल्ड एंड रिएक्शन एंड थर्डली देयर हैज टू बी एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी। ये हमारा मांग है। हम तीनों जो हमारा डिमांड्स है उसके ऊपर अभी भी हम कायम है। प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा होना चाहिए और इसके बारे में जांच होना चाहिए, निष्पक्ष जांच, और एक कैंसिलेशन होना चाहिए और ऑक्शनिंग होना चाहिए। ये पहले से हमारा स्टैंड था, अभी भी वो स्टैंड रहेगा। क्या कहा
बीजेपी पे प्रधानमंत्री ने क्या जवाब दिया आप खुद देख लें। The basic problems of India of poverty, ignorance and disease can be tackled effectively. Unfortunately, from one crisis to another, but BJP's policy has been to disrupt parliament. These are all diversionary tactics and one has only 24 hours at one's disposal. If one is preoccupied all the time with handling these diversionary tactics, naturally that affects the capacity and the ability of the government to attend to its more fundamental task, which I have always said is to grapple with the problem of mass poverty, ignorance and disease which still afflict millions and millions of our citizens. आपने सुना पुष्पेंद्र, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने कोई नई बात नहीं की। जाने से पहले उन्होंने इस्तीफे की बात नहीं की थी, तब कांग्रेस पार्टी को लगता था कि वो विदेश जा रहे हैं, उनकी छवि मजबूत रहे। उन्होंने पार्लियामेंट में जिस शोर शराबे के साथ बयान पढ़ा और वो चले गए। लौट के आने के बाद उन्होंने ऑन बोर्ड कह दिया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, और ये कोई नई बात उन्होंने नहीं की, उनकी पार्टी भी नहीं की। लेकिन बात यह है कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो पुराने लोगों ने इस तरीके के मामलात में फंसे उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, अगर इस्तीफा दे करके प्रधानमंत्री ये डेडलॉक नहीं खत्म करना चाहते हैं, तो विपक्ष को सिर्फ ये कह देना कि साहब वो चलाना नहीं चाहता है, तो ये भी कोई, मैं समझता हूं कि जस्टिफिकेशन नहीं है कि विपक्ष जो है सिर्फ नहीं चलाना चाहता है। विपक्ष, अगर उस विपक्ष में भी अगर हम बीजेपी को अलग कर दें और एनडीए को अलग कर दें, तो बहुत सारी और पार्टियां हैं, आप चलाएं। अगर आप डेली की प्रोसीडिंग देखें और जो दो दो तीन तीन मिनट की प्रोसीडिंग हो रही है, विपक्ष 100% अटेंडेंस में बैठा होता है और ट्रेजरी बेंचेस पे 3-4 लोग बैठे होते हैं, और वो स्पीकर आते हैं, 2 मिनट हंगामा होता है, चले जाते हैं। तो क्या कांग्रेस ये पहले से मान के चलती है कि आज भी जो है हंगामा होगा और हम चले जाएंगे? उनकी गिनती क्यों नहीं, ट्रेजरी बेंच क्यों खाली पड़ी हुई है, ये भी सोचने की बात है। जी हुसैन साहब, लगातार मांग के बावजूद भी कहीं भी सरकार पलक झपकने को तैयार नहीं है कि हम बहस के बाहर कांग्रेस इस पर कुछ भी करने को तैयार नहीं है। बहस तो होनी चाहिए ना, ऐसा कि ये सबसे अहम ऐसे पार्लियामेंट है, लोकसभा है, राज्यसभा है, यहाँ नहीं बहस होगी तो होगी कहाँ। बहस से ये क्यों डरते हैं, मुझे लगता है कि कहाँ ना कहाँ इनके दिमाग में ये बात है कि अगर बहस होगी तो उनके राज्यों में क्या हुआ कोयले को लेके, और बहुत सारी बातें हैं ये सब निकलेगा और उनके मुख्यमंत्री कटघरे में खड़े रहेंगे, इसलिए ये बहस करने नहीं देते। नहीं तो बहस करने न देना ये बिल्कुल गलत बात है। ये इस देश में हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इस तरह से उसको ये करना, बड़े पेचीदा सवाल इसके बारे में खड़े करना और लोकतंत्र के खिलाफ एक हल्ला बोल बोलना, ये बिल्कुल गलत बात है ऐसा मुझे लगता है। जो भी है वो बहस हो सकती है, उनके जो भी मुद्दे हैं, सहयोगी जो दल है, कई मुलायम सिंह आपके सहयोग वो सहयोग करते हैं, समर्थन देते हैं, वो कह रहे हैं कि इस, उन्होंने धरना दिया संसद के और कहा है, उन्होंने कहा है कि आवंटन को रद्द किए जाए, सरकार कह रही है आवंटन रद्द नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच कराई जाए। तो आपके सिर्फ ये क्या मसला सिर्फ विपक्ष का है? हाँ बिल्कुल, विपक्ष ने आज ऐसा है कि मुलायम सिंह साहब जो बोल रहे हैं आज जी, वो इसमें अगर बहस होगी तो वो वहां बोलेंगे ना, लोकसभा में बोलेंगे, फिर सरकार उसके ऊपर क्या करती है वो देख सकते हैं। बहस होने के बाद भी सरकार इसके ऊपर कुछ करती नहीं, और जो बात है वो सही ढंग से अगर आगे आएगी, अगर नहीं आती तो कुछ बातें अगर रही, कुछ मुद्दे रहे उसके ऊपर सरकार क्या करती है वो देख सकते हैं। उसके बाद अगर ये सब चलेगा तो मैं समझ सकता हूँ। पहले से इन्होंने प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगना ये बिल्कुल गलत बात है। लोगों को मालूम है, दुनिया को मालूम है कि प्रधानमंत्री की छवि बिल्कुल साफ सुथरी है, इस तरह का कोई व्यवहार हुआ होगा ऐसा बिल्कुल नहीं। एक तो उसका आखिरी जो डिसीजन लिया जाता है वो स्टेट लेती है, वो सेंटर नहीं लेती। नहीं नहीं, ये स्टेट का डिसीजन नहीं है, स्टेट का है ही नहीं। तो देखिए निर्णय जो है केंद्र सरकार का इसमें है। आप सबसे मजेदार मनोज जायसवाल हैं, उनके कोयला ब्लॉक अमंडन में ये नाम सुर्खियों में है, 58 में से 57 में से 8 कोयला ब्लॉक मनोज
जायसवाल की अलग अलग कंपनियों को आवंटित किए गए हैं, इस तरह की खबर है। अब सुबोध कुमार सहाय जी के भाई हैं, नहीं उन्होंने तो टेलीविजन पे एक्सेप्ट किया कि उनके भाई उनके है। भाई है उनको, तो ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि जो चीजें हुई है वो साफ सुथरी नहीं है? नहीं, ऐसा है कि ये और किसी की जिम्मेदारी बनती है, जो मंत्री उस समय मंत्रालय संभाल रहा है उसकी उनकी जिम्मेदारी बनती है। नहीं नहीं ठीक है ना, उसके ऊपर बहस करके क्या बात है, बहुत सारी बातें हैं। अभी इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, उस पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई होगी ना, क्यों नहीं, पहले कार्रवाई होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, पहले क्या जरूरत है? नहीं नहीं कार्रवाई क्यों नहीं होगी, कार्रवाई जरूर होगी। ये सारी बातें ऐसे है कि आ जाइए इसके बारे में, अगर सरकार एक निवेदन करती है सर ये मुद्दों के ऊपर बोलिए, सरकार बोलती है और कुछ बातें ऐसी रही कि उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार करेगी ना, इसलिए बहस बंद करने की क्या जरूरत है? आप ये देखिए, सीएजी को इंस्टेड ऑफ कि उस पर उसको ठीक करे, दुरुस्त करे, एक्शन करे, कार्रवाई करे, कांग्रेस नेता सीएजी को के ऊपर जो है विनोद राय के ऊपर हमला कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने जो कहा आपको हम दिखाते हैं, उन्होंने क्या कहा। इसके वरिष्ठ नेता हैं दिग्विजय सिंह, हालांकि वो इस तरह के बयान देते रहते हैं जिसमें कि हमेशा उनके बयान ऐसे होते हैं जिसपे कि विवाद होना तय होता है, शायद सुर्खियों में उन्हें रहने का कुछ ज्यादा शौक है, लेकिन इस तरह का बयान आप कैसे देखते हैं, आप खुद देख सकते हैं। इस तरह से माननीय सीएजी, पूरे सम्मान के साथ, पूरे आदर के साथ मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस तरह से उनकी रिपोर्ट्स केवल 2004 के बाद की आ रही हैं, उससे और जिस प्रकार के बिना तथ्यों के आधार पर काल्पनिक नुकसान बताकर पूरे देश में एक माहौल खड़ा किया जाता है कि लाखों करोड़ का घोटाला हो गया। ये मत भूलिए कि ये देश डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट है। कल से सीएजी ये कह देंगे कि पीडीएस के अंदर इतना पैसा आपने सब्सिडी दिया, इसमें घोटाला हो गया। कल से सीएजी ये कह सकती है कि फर्टिलाइजर में किसानों को इतना तो आपने सब्सिडी दे दिया, इतना नुकसान हो गया। कल से कह सकते हैं कि पेट्रोल डीजल में इतना सब्सिडी दी जा रही है, इसमें घोटाला हो गया। ये कपोल कल्पित जो फिगर्स दिए जा रहे हैं, इस पर मुझे आपत्ति है, क्योंकि ये कहीं पुष्पेंद्र, ये दिग्विजय सिंह जो बात कर रहे हैं सीएजी के ऊपर, सीधा सीधा उन्होंने कहा कि वो राजनीतिक तौर से एक तरह से मैं तो दिग्विजय सिंह के बयान का कोई तर्क ये नहीं सोच पा रहा कि कल सीएजी ये कह देगा कि साहब वो जो सब्सिडी आप दे रहे हैं उसमें घोटाला है, तो क्या वो ये मानते हैं कि जो कोल ब्लॉक है ये कोई सब्सिडी का मामला है? इसका सब्सिडी से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो गैस की सब्सिडी हो, चाहे यूरिया की सब्सिडी हो, चाहे फर्टिलाइजर की सब्सिडी हो, एक बात। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेसियों को आज इस पूरे देश के अंदर एक चीज बहुत ज्यादा तर्क के साथ दे रहे हैं, लोकसभा में डिबेट होनी चाहिए, लोकसभा में डिबेट होनी चाहिए, सारी बातें दरकिनार नहीं, उसके बाद बात होगी। मैं ये भी नहीं कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी की ये डिमांड जस्टिफाई है कि नहीं सर उनको पहले इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन ये तो वो मानते हैं, क्या कहते हैं, जो बात प्राइम मिनिस्टर ने ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में कहीं, चाहे शोर था लेकिन उनका बयान तो रजिस्टर हुआ, उसमें उन्होंने कहा है कि सीएजी की जो फिगर्स हैं डिस्प्यूटेबल हैं। डिस्प्यूट तो मानते हैं ना वो कि फिगर है, फिगर है, उस पे 1,50,000 करोड़, 1,000 करोड़ और 5,00,000 करोड़ हो सकता है और 1 रुपया हो सकता है। बेईमानी 1 रुपए की भी है और या बेईमानी 10,00,000 करोड़, इस पर डिस्प्यूट हो सकता है। यू आर एक्सेप्टिंग ये डिस्प्यूटेबल फिगर है, बट डिस्प्यूट तो है, डिस्प्यूट है तो करप्शन है। आप मेरी बात को समझे, एक। दूसरी बात मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि हर कांग्रेस का आदमी कहता है नहीं डिबेट होना चाहिए, काल दूध का दूध पानी का पानी, सोनिया गांधी से लेकर सारे लोग कह रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं बात आ रही है कि जितनी पहले डिबेट हुई है उन सब का दूध पानी पानी हो गया। यही दिग्विजय सिंह है जिन्होंने बयान दिया, क्या कहते हैं कि नहीं कलमांडी साहब जो है वो साफ सुथरे निकल के आ जाएंगे एक दिन। और आप देखिए कि कलमांडी के सिलसिले में क्या हुआ है कि सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें उनका नाम नहीं है, जबकि सब जानते हैं कि सीएजी जो सीएजी कह रहा हूं जो कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ है उसके एपिसेंटर है वो, सारे घोटालों की जड़ उनके ऑफिस से जाती थी निकल के और उन्हीं का कोई ऐसा कागज जिस पर उनका साइन ना हो जी। अब बात दूसरी मैं कहना चाहता हूं कि जब लेफ्ट पार्टीज, टीडीपी और जो मुलायम सिंह है, ये तीनों
कहीं दूर दूर तक कांग्रेस के न कभी साथी रहे हैं, बीजेपी के कभी साथी रहे, न बीजेपी से इनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक रहा है। ये हमेशा बहुत वोकल लोग माने जाते हैं जो राइटिस्ट जमात के खिलाफ रहते हैं। इन लोगों ने तीन बातें कही, कहा है कि प्रधान ये पार्लियामेंट चलनी चाहिए, एग्री। दूसरी बात इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के किसी सिटिंग जज से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तीसरी बात इन्होंने कहा कि कोल ब्लॉक तत्काल प्रभाव से निरस्त होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डिमांड देखिए क्या है, वो कहते हैं प्रधानमंत्री को इस्तीफा, कोल ब्लॉक का रद्द होना और किसी निष्पक्ष जांच एजेंसी। उन्होंने भी निष्पक्ष जांच एजेंसी की बात कही और मुलायम सिंह ने भी कहा है, मुलायम सिंह ने सीबीआई नहीं कहा है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर नॉन कांग्रेसी जो बीजेपी के लोग हैं अगर वो ये डिमांड कर रहे हैं, क्या कल बीजेपी इस बात को तैयार हो जाए कि चलिए प्रधानमंत्री का इस्तीफा माना नहीं हो सकता, बाकी दो डिमांड के ऊपर कांग्रेस क्या कि हम तैयार हैं। मुलायम सिंह उन्हें वहां तो बहुत अच्छे लगते हैं जब वो कहते हैं कि डिबेट होनी चाहिए, लेकिन मुलायम सिंह जो बाकी दो डिमांड मान रहे हैं उसको दरकिनार कर रहे हैं। तो भाई उसको मान ले, हम मानते हैं कि चलिए बीजेपी तैयार हो जाएगी कल, लेकिन ने कहा कांग्रेस के लिए मीठा मीठा गपगप और तीता तीता थू थू। जब जो रिपोर्ट आई है उनके जो संवैधानिक संस्था है उस पर हमला करना ये कांग्रेस की पुरानी आदत है।
मनमोहन सिंह जी गवर्नर बन के प्रधानमंत्री बन सकते हैं रिजर्व बैंक के गवर्नर, तो कोई भी व्यक्ति किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन कर सकता है, लेकिन वो ज्वाइन तो नहीं कर रहे हैं, वो अभी संवैधानिक संस्था पे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, उसमें दिग्विजय सिंह की उनको क्या इतराज़ है। बीजेपी के बयान पे, बीजेपी के जो नेता है, प्रवक्ता है शाहनवाज के बयान पे कपिल सिब्बल ने क्या कहा, आपको हम दिखाते हैं। 1998 से लेकर 2004 तक वो जनता के सामने हम पेश करेंगे। इस बात से डरते हैं, इस बात से डरते हैं कि इन्होंने इतनी धांधलेबाजी की है, इस बात से डरते हैं कि हम जो सीएजी का कैलकुलेशन है उसको जनता को बताएंगे किस तरीके से वो गलत है, उसकी बुनियादी तौर पर वो गलत है। पुष्पेंद्र, ये कुछ इस तरीके की बात हो गई है, मैं कह रहा हूँ कि कपिल सिब्बल साहब या कांग्रेस के पास बीजेपी के दरमियान जो 1998 से 2004 में हजारों करोड़ों जो घोटाले हुए हैं, तो ये इंतजार किसका कर रहे थे, इनको किसी ने रोका था, ये तो पिछले 10 साल से पावर में है। ये मुझे ऐसा लगता है, क्या कहते हैं कि आप कह तो रहे, रोज कोई ना कोई बात आप बीजेपी के खिलाफ कहते हैं, आपको कहने का अधिकार है, आपको भी कागज निकालने का और रिपोर्टें निकालने का अधिकार है जी। लेकिन आप ये क्या कह रहे हैं कि जब हम डिबेट में ही खोलेंगे, कौन सी ऐसी बात है जो पार्लियामेंट के बाहर पिछले 10 दिन से जब से पार्लियामेंट नहीं चल रही, कौन सी बात कांग्रेस नहीं कह रही, लेकिन बार बार ये कहना, क्या कहते हैं कि हम 1998 से 2004 का देखें, तो दिखाइए, सबको दिखाइए। आज सुबोधकांत सहाय का पत्र निकल के आ गया है, कल जयसवाल साहब का निकल के आ गया है, एक एक चीजें बीजेपी वाले ला रहे हैं, तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं, आपको पार्लियामेंट चाहिए क्या, और आप सरकार में है, और आप आज तक क्यों बैठे हुए थे कि क्या आपके ऊपर आरोप लगा और आप फंसे और आपने कहा नहीं अब हम इनके घोटाले दिखाएं, तो भाई आपको दिखाना चाहिए था, हैंड इन ग्लव्स थे क्या, इसमें भी कोई स्कोर था कि पहले कौन किसको चोर कहे तब हम उसको बताएंगे, तो ये तो बहुत तर्क नहीं है ना। और जिस तरह से बीजेपी इसको पब्लिक में ला रही है, आप भी पब्लिक में चीजें लाएं कि सुबोधकांत साहब अपने भाई के लिए लिखते हैं 5 तारीख को लेटर, 6 तारीख को क्या कहते हैं उनको गोल बुलक मिल जाता है, बिल्कुल। तो इस तरीके की जो बातें हैं इससे नुकसान कांग्रेस का हो रहा है, ठीक है डिबेट होनी चाहिए उस पर विवाद नहीं है, पार्लियामेंट चलनी चाहिए उस पर विवाद नहीं है, लेकिन बार बार ये सहारा कि पार्लियामेंट चलेगी तो इनकी पोल खुल जाएगी, इनके चीफ मिनिस्टर फंस जाएंगे, इससे बचाने की आप पब्लिकली बताएं ना जो तर्क है, आप भी कागज दें दुनिया के सामने, मीडिया आपके लिए भी है। दलवाई साहब, कांग्रेस बयान तो बाहर दे ही रही है, सारी बातें कह ही रही है, ये सारी चीजें जैसे ये नाम आ रहे हैं, अब देख सुबोधकांत सहाय जी के भाई को जिस तरह से आवंटन किए गए हैं, 7 फरवरी 2008 को कोयला मंत्रालय के स्क्रीनिंग कमेटी में भी सुधीर बतौर कंपनी के डायरेक्टर पेश हुए, केंद्रीय मंत्री सहाय सुबोधकांत सहाय ने 5 फरवरी को पीएमओ को चिट्ठी भेजी, चिट्ठी में एसकेएस इस्पात को अपनी स्टील कंपनी के लिए झारखंड और छत्तीस में 2 कोल ब्लॉक की जरूरत है, कंपनी सभी शर्तें पूरा करती है, मैं आपका आभारी रहूंगा अगर आप व्यक्तिगत रूप से पहल करके ये आवंटन करवाए, प्रधानमंत्री को लिखते हैं, और अगले दिन 24 घंटे के भीतर ये पीएमओ की अनुशंसा पर 6 फरवरी को इस कंपनी को 2 कोयला ब्लॉक आवंटित किए जाते हैं। जयसवाल साहब के ऊपर भी कई सारे वो चीजें हैं, क्या आपको, आप भी सांसद हैं, आप भी बहुत दिनों से राजनीति में हैं, क्या ये चीजें आपको लगती हैं कि बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से एक व्यक्ति के तौर पर एक सांसद
एक जो है मामला, वो जो अपना एंटी टेररिस्ट का जो वो बनाने वाला मामला, ऑर्डिनेंस का मामला, एक्ट का, उसको लेकर के किसी को सुनने को तैयार नहीं है। तो एकदम यकायक बहुत आपको ये अच्छा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के स्टेट के लोग फंसे हुए हैं, तो आपको वहां के मुख्यमंत्रियों की बात सबसे ऊपर माननी थी। वैसे आप देश के किसी फेडरल सिस्टम को मानने को तैयार नहीं होते। जब आप कानून बनाने की बात है, आप बिहार में दो लोगों को भेजते हैं और वहां से एक आतंकवादी को पकड़ लेते हैं और उनकी टेरिटरी में आप वायलेशन करते हैं, जबकि स्टेट का मामला होता है लॉ एंड ऑर्डर, तब आप पुलिस को बताते नहीं, तब आपको फेडरलिज्म नहीं समझ, तब उस मुख्यमंत्री की रिक्वेस्ट समझ में नहीं आती आपको। लेकिन तीन या चार मुख्यमंत्री, इट हैपन टू बी दे आर बीजेपी पीपल, तो आपने सारा सर उनके लग दिया है। लेकिन 142 में से क्या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों के अलावा जो दिए गए जस्टिफाइड है? बहस ये होनी चाहिए। मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी करप्शन किया है, बाकियों का जवाब क्या है? और उसमें देखिए महाराष्ट्र का ही मसला है ये, जिसमें कि एक ही जो दादा साहब का जो है, उनके उनका तो ना ही माइनिंग का अनुभव है और ना ही एनर्जी सेक्टर का है, उनको भी माइनिंग ब्लॉक दिया गया। ये क्या है ना, अलग अलग लोग आ सकते हैं ना, कि ऐसा है क्या कि एक धंधे में एक आदमी नहीं रहना चाहिए? अगर आप कैपेसिटी ऐसा है कि आप किस आधार पे, कोई आधार मैंने मैंने कोई कोल ब्लॉक मांगा तो मेरी पूरी देखी जाएगी ना, मेरी गारंटी है, आपका काम देखा जाएगा, आपकी आवश्यकता देखी जाएगी या अलॉट कर दिया जाएगा कंपनी का वैल्यू बढ़ाने के लिए। हाँ, वो उनके उनके एक्सपर्टाइज होगा उनके पास, यही तो मैं बोलता हूँ, मैं इसका समर्थन नहीं करता। मेरा कहना ऐसा है कि इसके अगर बहस होती तो सारी बातें बाहर आती ना, बहस न करने की वजह क्या, ये मुझे समझ में नहीं आया। मुलायम जी बोलते हैं, उससे भी सहमत हूँ कि ठीक है, ये नहीं होता तो ये बातें होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन बहस, ये मुख्य मुद्दा आज बहस लेके हम लोग बैठे हैं, तो बहस न करने का क्यों ये इतना? आपकी बात मानता हूँ, मैं एक पत्रकार के नाते कहता हूँ, प्रधानमंत्री की छवि इस देश में भगवान बराबर हो गई है इस वक्त, कि प्रधानमंत्री की छवि पे बात की तो संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला हो गया। मैं मान रहा हूं वो बहुत बिल्कुल सेक्रेट मैन है, क्राइस्ट चर्च हो गए वो इस वक्त, बिल्कुल उनसे ऊपर कोई है ही नहीं। क्या प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में ये कहा, ये अपनी जगह इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? इस्तीफे की बात छोड़ दी, ये माना उन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इसकी जांच कराते हैं और आवंटन रद्द करते हैं, जो दूध का दूध होगा पानी का पानी। ये बात पार्लियामेंट में कांग्रेस क्यों कहने से डर रही है या बाहर कहने से क्यों डर रही है? इस्तीफे की बात छोड़ दीजिए, इस्तीफे हमेशा देखिए पॉलिटिक्स में अपोजिशन डिमांड करता है तो 7 डिमांड करता है, जानबूझ के 8 डिमांड करता है, जिसमें उसको मालूम है कि 2 पे बात होगी। बट मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने जो डिमांड कर रखी है कि साहब प्रधानमंत्री इस्तीफा दें, मैं कहता हूं प्रधानमंत्री के इस्तीफे पे तो मैं भी इस बात को तैयार हूं कि ये कोई डिमांड नहीं है आपकी कि इस्तीफा दें, लेकिन जो बाकी की निष्पक्ष जो उनकी इमेज है, ईमानदार की जो इमेज है, मिडास टच की जो इमेज है मनमोहन सिंह की, क्या वो कहते नहीं, क्या कहते कि भाई आप इस्तीफा नहीं देता लेकिन मैं तैयार हूं, क्या कहते हैं कि ये 2 काम होंगे, बात उसके आगे बढ़ेगी। ये जो कल कुलश्रेष्ठ जी बोल रहे हैं ना, उसमें बड़ा तथ्य क्या मैं बताता हूं, बीजेपी के लोगों को प्रधानमंत्री की जो साफ सुथरा इमेज है ना, वही कलंकित करनी है, उसके ऊपर ही उनको रंग डालना है। कांग्रेस उस पर क्यों ये कर रही है? कांग्रेस क्यों नहीं कहती है? कांग्रेस पार्टी इसलिए छवि को साफ रखने के लिए, इसलिए बिना बहस ही ये बातें कर सकते हैं। बहस करने के बाद बहुत सारी बातें बाहर आएंगी, ऐसा उनको डर है। नहीं तो मुझे ये बताइए इतना क्यों वो ले कर रहे हैं? चलिए, बीजेपी विरोध में है, विपक्षी पार्टी है, प्रधानमंत्री मैं 1 साल के पहले राज्यसभा में आया, मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ी उम्मीद से मैं यहाँ आया, लेकिन हर दिन कोई ना कोई मुद्दा लेके बीजेपी इस तरह से हाउस चलाने नहीं देती। ये क्या अच्छी बात है? ये देश डेमोक्रेटिकली चलाना अगर है, मेरा तो कहना आगे जाके ऐसा है कि वो इसके पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ऊपर उनका भरोसा ही नहीं, क्योंकि पहले से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को विरोध किया, पहले से ही उनको फ्रेंचाइज को विरोध किया, हर बात में उन्होंने इस तरह के विरोध करते आए हुए हैं, और उनका कहां ना कहां दुख है, क्योंकि उनको उनके लोगों ने ये कहा है कि डेमोक्रेसी में सारी बातें ठीक नहीं होती, सब लोगों को मतदान का अधिकार देने के लिए उनका विरोध था। ये सारी बातें कहां ना कहां मेरे दिमाग में आती कि ये क्या चला है, क्यों नहीं ये बहस करते? मैं मेरे वहां भी मेरे दोस्त हैं, उनको बोलता हूँ बहस करने में आप क्यों डरते हो? हर बात जो बात कई मुद्दे कई मुद्दे मैंने मैं नया हूँ तो भी मैंने कई प्रश्न डाले थे, कॉलिंग अटेंशन दी थी, ये 0 आवर में कुछ मामले दिए थे, कुछ चर्चा ही नहीं होती।
मैं जब महाराष्ट्र में जाता हूँ लोग बोलते हैं कि ये दिया था आपको, वो दिया गया, ये रोड के बारे में पूछिए, ये इसके बारे में पूछिए, ये बोला था, यहाँ बिजली की कमी है इसके बारे में बोलिए, एग्रीकल्चर आज हमारे इधर ड्राउट है, बहुत सारे लोग हर दफा फोन आते हैं कि ड्राउट के ऊपर जरा आप ये कीजिए, वहाँ बोलिए, बात ही नहीं होती इस तरह से हाउस को। और ये भी मैंने उनको कहा कि आप कम अज कम क्वेश्चन आवर होने दो, क्वेश्चन आवर के बाद आपको क्या करना है वो करिए, कितना खर्चा होता है क्या होता है। ये तो ये पीड़ा है कई सारे सांसदों की, लेकिन लेकिन आप ये देखिए दिलीप, मैं सवाल ये बड़े भाई जो बात कर रहे हैं मैं मान रहा हूँ, 10 साल से सरकार कांग्रेस जो है वो सरकार चला रही है, ऐसा तो नहीं हुआ क्या कहते कि सर पार्लियामेंट में कोई काम ही नहीं हुआ, चले ही नहीं, क्या कंट्राडिक्शन है कि लोकपाल के मामले पर रात 12 बजे पूरा हॉल पूरा देश देख रहा है और बीजेपी और अपोजिशन जिसमें मायावती भी शामिल हैं जिसमें मुलायम सिंह भी शामिल हैं सब कह रहे हैं कि आप इसे चलने दें, बहस होने दें, आप समझ रहे हैं, एक तरफ बीजेपी सदन को चलाने के लिए रात के 12 बजे तैयार है तो सदन खत्म हो गया टेक्निकलिटीज को लेकर के साहब इसमें ये परमिशन नहीं है। अब जिस मामले पे अड़े हूं मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि क्या इस देश के ईमानदार प्रधानमंत्री की छवि और नहीं निखरेगी जी, क्या इससे वो उनका कद बड़ा नहीं होगा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि इस्तीफा दें, लेकिन वो ये बाहर या कहीं भी उनकी तरफ से उनकी पार्टी की तरफ से सरकार की तरफ से कि इसके ऊपर निष्पक्ष जांच हो जाए और कोल ब्लॉक रद्द हो जाए, चाहे वो रमन सिंह की उस सिफारिश पे हो, चाहे वो झारखंड के मुख्यमंत्री की सिफारिश पे हो, चाहे मध्य प्रदेश की सिफारिश पे हो, लेकिन तैयार वो बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं, वही कह रहा हूं कि जो बात मुलायम सिंह ने उठाई है उसमें दो इशारे हैं जी। ये बात अपनी जगह है कि कांग्रेस के लोगों को ये अच्छा लग रहा है कि देखिए वो ये पहले कह रहे हैं कि बहस होनी चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बहस वाली बात पे भी छोड़ दे तो बाकी दो लोगों पे कांग्रेस क्या पार्लियामेंट के बाहर तैयार है। मुलायम सिंह आखिर मुलायम सिंह के पास कोई विकल्प नहीं बचा है कांग्रेस के साथ, वो देखे जाएंगे उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, उनको नुकसान हो सकता है, इसलिए मुलायम सिंह अब कहीं ना कहीं मुलायम सिंह के सामने दो बड़ी सबसे बड़ी समस्याएं हैं, एक मुलायम सिंह गले गले तक फंसे हुए हैं भ्रष्टाचार में और उनकी फाइलें सीबीआई के पास होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची हुई हैं, दूसरी उनकी बड़ी समस्या है कि वो चुनाव तो जीते थे 5 साल के लिए असेंबली का, लेकिन उनका टेस्ट अगले साल होने वाला है जब 2014 का चुनाव होगा, तो जो उन्होंने वादे माइनॉरिटीज के साथ में दलितों के साथ में ये देंगे टैबलेट देंगे कैप्सूल देंगे जो सारे चीजें थी उसका दूध का दूध पानी 2014 में वहां का मतदाता उनसे पूछेगा कि आपने कहा था कि जितने ऐसे इनोसेंट मुसलमानों को पकड़ा गया है जो आतंकवादी उनको हम छुड़वाएंगे, हम ये देंगे, हम 18% देंगे 20% देंगे। आज उनके सामने संकट ये हो गया है कि अगर उन्होंने कांग्रेस के साथ अपने आप को खड़ा रखते हैं तो जो उनका वोट बैंक है वो खत्म होगा, क्योंकि वहां उस बीजेपी चैलेंज नहीं थी उनके लिए, वहां मायावती चैलेंज थी, लिहाजा वो कांग्रेस से दूरी भी दिखाना चाहते हैं और कांग्रेस के को बचाते भी हैं, जब भी कांग्रेस संकट में आती है मुलायम सिंह बचाते हैं। मुलायम सिंह के बारे में जो लेफ्ट ने कमेंट किया है वो ऐसे ही नहीं किया है, लेफ्ट वह भी समझता है क्या कहते हैं कि मुलायम सिंह राजनीति में सबसे बड़े धोखेबाज हैं, जिसके साथ बैठते हैं उसके साथ रात तक पलट जाते हैं, चाहे वो मायावती का मामला हो, चाहे वो ममता का मामला हो, चाहे लेफ्ट का मामला हो, चाहे न्यूक्लियर डील का मामला हो, सब मामलों पे आप उनका चरित्र देखें राजनीतिक, तो वो सुबह जो कहते हैं शाम तक पलट जाते हैं अपने फायदे के। आपको लगता है कि इसमें भी पलट जाएंगे? इस पे मैं समझता हूं कि ये उन्होंने इस्तेमाल कर लिया और मैसेज दे दिया, उनका सिर्फ एजेंडा था कांग्रेस को ये बताना कि भैया हमें टेक इट फॉर ग्रांटेड मत समझो, हमारी जो डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी है उत्तर प्रदेश वहां हमारा ग्राफ गिर रहा है, उससे बचाने के लिए अपने आपको उन्होंने अलग कर लिया है, कुछ दिन बाद ही मामला खत्म हो जाएगा, लेफ्ट अपने घर चला जाएगा, लेफ्ट को भी पता है और टीडीपी को भी पता है, तो इसलिए मुलायम सिंह सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहे हैं। चलिए पुष्पा एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं, चर्चा को जारी रखेंगे।